सो हेलो गाइस, वेलकम माई बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है, यानी कि वेलकम। तो गाइस, इस ब्लॉग में आप लोग के सामने एक और न्यू ब्लॉग में आप लोग के सामने लेके आ चुका हूँ। तो फिलहाल इस समय अपने गांव के नज़दीकी भट्ठे पे, जो कि आज हम आए हैं घूमने के लिए अपने दोस्त के घर पर, तब वहाँ से हम लौट के आ चुके हैं। तो गाइस, सोचा मैं आप लोग के लिए एक मिनी ब्लॉग बनाया, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है ज़्यादा, जो कि हम आए अपने गांव के भट्ठे पे, जहाँ पे ईंटा पकाया जाता है और इस ईंटे से मकान बनते हैं, जो कि मेरे पीछे देख सकते हैं एक है। और आप लोग को ब्लॉग में हमने बताया था कि भट्ठे के बारे में, जो कि हमारे गांव में ही भट्ठा है। सो गाइस, उस ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो गाइस, फिर से एक न्यू भट्ठा आ चुका है, जो कि हमारे गाँव में, हमारे गाँव के नज़दीक पास में है, जो कि 2 किलोमीटर के अंदर ही आता है। सो गाइस, देख रहे हैं मेरे, हमारे साथ में अभी फ़िलहाल कोई नहीं, हम अकेले ही हैं और साथ में एक दो लोग और हैं, उन लोग उस साइड में हैं। तो गाइस, आप लोग को दिखाने के लिए आए हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा वॉच जरूर करिएगा। सो गाइस, देखा इकेल बनाते हुए ब्लॉग हम जा रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ का नज़ारा है। तो चलिए गाइस, कुछ चीज़ें आप लोग को और दिखा दें। जहाँ पर हम चल रहे हैं, हमारे भट्ठे के ऊपर जहाँ पे ईंटे, यहाँ पे इसके नीचे पूरे ईंटे दबे हुए, जहाँ पे ईंटे इसको पकाया जाता है। इस समय फ़िलहाल अभी बारिश का मौसम चल रहा, जून का महीना, तो अभी फ़िलहाल भट्ठा जो कि बंद है, क्योंकि बारिश की वजह से भट्ठे सभी बंद रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पानी भर जाते हैं। सो गाइस, तो थोड़ा सा जीवान का व्यू आप लोग को व्यू दिखाएं, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। और प्लीज़, अगर आप लोग इस वीडियो को नए हैं तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करो, भाई फुल सपोर्ट करो, और नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सभी वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑन कर दो भाई, प्लीज़ भाई। चलिए, आप लोग को बैक कैमरे से दिखाते हैं इस ब्लॉग में क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं। तो गाइस, चलिए आप लोग को सीधे आप लोग से बैक कैमरे से आप लोग से मिलते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं बड़ा भट्ठे का नज़ारा, तो फिलहाल काफ़ी अच्छा जगह पर, जो कि सीवान में देख रहे हैं हमारे गांव में रोपाई जो कि हो चुका है, जो कि काफ़ी एक मंथ पहले ही रोपाई हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ का नज़ारा, जो कि हमारे साथ में दो लोग ही आए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे दो लोग यहाँ पे घूम। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं हमारे दोस्त लोग कुछ बात करते हुए यहाँ पे पकड़ा चुके हैं, जो कि कहीं पे प्लान बना रहा है जाने के लिए। तो देख सकते हैं इन लोग मुँह चिड़वा रहे हैं, क्योंकि इन लोग का प्लान कुछ और ही है, जो कि हमको इन लोगों ने नहीं बताया। तो देख रहे हैं यहाँ पे तीनों लोग साइकिल पे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे, इनका हम लोग पीछे करते हैं, दिखाते हैं कहाँ पे इन लोग जाते हैं। तो गाइस, फिलहाल भट्टे पर से हम लोग लौट चुके हैं। तो गाइस, फिर से एक बंदा मिल चुका है हमारे साथ में, जो कि इसको काफी ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो गाइस, फिर से हम खेत में जाते हुए मेरे पास से, जो कि सिवान में, हम लोग बीच सिवान में हैं, जो कि फिलहाल हम लोग के साथ में फिलहाल कोई नहीं है। समय बज रहा 5, क्योंकि हो चुका है शाम। तो गाइस, हम लोग के साथ में कोई नहीं, बस दो लोग हैं और बाकी दो लोग वेटिंग में कर रहे हैं साइकिल से। हम लोग जाएँगे साइकिल से, उन लोग हैं थोड़ा दूर पर, तो चलते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग सिवान में है, जो कि खेत है, हरियाली सा खेत, जो कि चारों तरफ हरियाली हरियाली खेत है। देख रहे हैं हरियाली खेत, कोई नहीं सिवान में है, जो कि हम लोग खेत में धांगते हुए जा रहे हैं, जो कि देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस, दिखाते हैं यहाँ पे आप लोग को खेत बैक कैमरे से कैसा है खेत। और सिवान में हम लोग के यहाँ फसल अभी तैयार नहीं हुआ है। तो गाइस, फिर से आप लोग को सीधे बैक कैमरे से दिखाते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा वॉच जरूर करें। तो गाइस, देख सकते हैं ये रहा सिवान, सिवान अच्छा है ना, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं एक लोग आगे, मेरा दोस्त चला गया फिलहाल इस समय। और एक देख रहे हैं हम उसी भट्ठे पर से ब्लॉग बना के आए हैं अभी फ़िलहाल। तो देख रहे हैं सिवान, इस सिवान चारों तरफ, जो कि हम मेड़ पर से जा रहे हैं, जे कि, और देख रहे हैं आगे खेत में धांगते हुए खेत जा रहा है। और प्लीज़ इस भी, अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ फुल सपोर्ट करो। और भाई आप लोग से, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग से बाय बाय।